अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी जो आई 1969 में, ये फिल्म फ्लॉप रही। आई परवाना 1971 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई आनंद 1971 में जो कि हिट रही। फिर आई प्यार की कहानी 1971 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई रेशमा और शेरा 1971 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई गुड्डी 1971 में जो कि एवरेज रही। फिर आई संजोग 1971 में जो कि हिट रही। फिर आई प्यार का घर 1972 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई बॉम्बे टू गोवा 1972 में जो कि हिट रही। फिर आई बंसी और बिरजू 1972 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई एक नज़र 1972 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई रास्ते का घर 1972 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई गरम मसाला 1972 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई जमीर जो कि 1973 में आई फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई बंदे हाथ 1973 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई गहरी चाल 1973 में जो कि फ्लॉप रही जो आई। फिर आई अभिमान 1973 में जो कि हिट रही। फिर आई सौदागर 1973 में जो कि हिट रही। फिर आई नमक हराम 1973 में ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई कसौटी 1974 में ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई रोटी कपड़ा और मकान 1974 में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई मजबूर 1974 में जो कि हिट रही। फिर आई दीवार 1975 में जो कि सुपरहिट रही। फिर आई जमीर 1975 में जो कि एवरेज रही। फिर आई शोले 1975 में जो कि ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई फरार 1975 में जो कि एवरेज रही। फिर आई मिली 1975 में ये फिल्म एवरेज रही। फिर आई दो अनजाने 1976 में जो कि हिट रही। फिर आई बेनाम 1974 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई छोटी सी बात 1975 में जो कि हिट रही। फिर आई चुपके चुपके 1975 में जो कि हिट रही। फिर आई कभी कभी 1976 में जो कि हिट रही। फिर आई हेरा फेरी 1976 में जो कि सुपर हिट रही। फिर आई अमर अकबर और एंथनी 1977 में जो कि ऑल ब्लास्टर ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई ईमान धर्म 1977 में जो कि हिट रही। फिर आई खून पसीना 1977 में जो कि सुपर हिट रही। फिर आई परवरिश 1977 में ये मूवी सुपर हिट रही। फिर आई चल मुरारी हीरो बने 1977 में ये मूवी एवरेज रही। फिर आई मूवी आलाप 1977 में ये मूवी हिट रही। फिर आई गंगा की सौगंध 1978 में जो कि सुपर हिट रही। फिर आई कस्मे वादे 1978 में ये फिल्म हिट रही। फिर आई बेशरम 1978 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई त्रिशूल 1978 में जो कि सुपर हिट रही। फिर आई डॉन 1978 में जो कि ऑल ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई द ग्रेट गैम्बर 1979 में जो कि एवरेज रही। फिर आई गोलमाल 1979 में जो कि हिट रही। फिर आई जुर्माना 1979 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई मूवी मंजिल 1979 में ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई मिस्टर नटवर लाल 1979 में जो कि सुपरहिट रही। फिर आई काला पत्थर 1979 में ये फिल्म एवरेज रही। फिर आई मूवी सुहाग 1979 में जो कि हिट रही। फिर आई दो और दो पाँच 1980 में जो कि हिट रही। फिर आई दोस्ताना 1980 में जो कि हिट रही। फिर आई राम बलराम 1980 में जो कि ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई शान 1980 में ये फिल्म हिट रही। फिर आई कमांडर 1981 में ये फिल्म एवरेज रही। फिर आई याराना 1981 में ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई बरसात की एक रात 1981 में ये फिल्म एवरेज रही। फिर आई मूवी नसीब 1981 में ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई मूवी लावारिस 1981 में ये मूवी सुपरहिट रही। फिर आई मूवी सिलसिला 1981 में ये मूवी हिट रही। फिर आई कालिया 1981 में ये मूवी हिट रही। फिर आई बलायती बाबू 1981 में ये मूवी एवरेज रही। फिर आई सत्य पे सत्ता 1982 में ये फिल्म हिट रही। फिर आई बेमिसाल 1982 में ये मूवी हिट रही। फिर आई देश प्रेमी 1982 में जो कि सुपर हिट रही। फिर आई मूवी नमक हलाल 1982 में जो कि हिट रही। फिर आई खुददार 1982 में जो कि फिल्म जो कि एवरेज रही। फिर आई मूवी शक्ति 1982 में जो कि ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई नास्तिक 1983 में जो कि एवरेज रही। फिर आई अंधा कानून 1983 में ये मूवी हिट रही। फिर आई मूवी महान 1983 में ये मूवी हिट रही। फिर आई पुकार 1983 में जो कि फ्लॉप रही। फिर आई कुली 1983 में ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई इंकलाब 1984 में ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई खबरदार 1984 में ये मूवी एवरेज रही। फिर आई पान खाए सैया हमार 1984 में ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई शराबी 1984 में जो कि हिट रही। फिर आई गिरफ्तार 1985 में ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई मर्द 1985 में ये मूवी सुपर हिट रही।
फिर आई आखिरी रास्ता 1986 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई मूवी जलवा 1987 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई कौन जीता कौन हारा 1988 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई शहनशाह 1988 में, ये मूवी ऑल ब्लॉकबास्टर रही। फिर आई हीरो हीरालाल 1988 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई मूवी गंगा जमुना सरस्वती 1988 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई भोपाली 1988 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई तूफान 1989 में आई, ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई जादूगर 1989 में, ये फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर आई मैं आज़ाद हूँ 1989 में, ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई अग्निपथ 1990 में, ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई क्रोध 1990 में, ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आई आज का अर्जुन 1990 में, ये फिल्म हिट रही। फिर आई हम 1991 में, ये फिल्म भी हिट रही। फिर आई अजूबा 1991 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई इंद्रजीत 1991 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई अकेला 1991 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई खुदा गवाह 1992 में, ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई प्रोफेसर की पड़ोसन 1993 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई इंसानियत 1994 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई मृत्युदाता 1997 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई मेजर साहब 1998 में, ये मूवी सेमी हिट रही। फिर आई लाल बादशाह 1999 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई सूर्यवंशम 1999 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई हिंदुस्तान की कसम 1999 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई कोहराम 1999 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1999 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई मोहब्बतें 2000 में, ये मूवी ब्लॉकबास्टर रही। फिर आई एक रिश्ता 2001 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई AKS 2001 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई कभी खुशी कभी गम 2001 में, ये मूवी ब्लॉकबास्टर रही। फिर आई आंखें 2002 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई हम किसी से कम नहीं 2002 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई अग्निवर्षा 2002 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई कांटे 2002 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई मूवी अरमान 2003 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई बूम 2003 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई बागवान 2003 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई मूवी खाकी 2004 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई एतवार 2004 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई देव 2004 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई लक्स 2004 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई क्या हो गया ना 2004 में, फिर ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई वीर जारा 2004 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है 2004 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई ब्लैक फिर 2005 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई मूवी वक्त 2005 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई बंटी और बबली 2005 में, ये मूवी सुपर हिट रही। फिर आई हवेली 2005 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई मूवी सरकार 2005 में, ये मूवी सुपर हिट रही। फिर आई विरुद्ध 2005 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई रामजी लंदन वाले 2005 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई दिल जो भी कहे 2005 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई एक अजनबी 2005 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई फैमिली 2006 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई डरना जरूरी है 2006 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई कभी अलविदा ना कहना 2006 में, ये मूवी भी हिट रही। फिर आई गंगा 2006 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई बाबुल 2006 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई एकलव्य 2007 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई निशब्द 2007 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई चीनी कम 2007 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई शूट आउट 2007 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई झूम बराबर झूम 2007 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई आग 2007 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई द लास्ट ईयर 2007 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई यार मेरी जिंदगी 2008 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई भूतनाथ 2008 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई सरकार राज 2008 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई गॉड तुसी ग्रेट हो 2008 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई दिल्ली सिक्स 2009 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई अलादीन 2009 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई पा 2009 में, ये मूवी सेमी हिट रही। फिर आई मूवी रन 2010 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई तीन पत्ती 2010 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई कंधार 2010 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई बुड्ढा होगा तेरा बाप 2011 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई आरक्षण 2011 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही।
फिर आई पत्ती छुट्टी 2011 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई डिपार्टमेंट 2012 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई इंग्लिश विंग्लिश 2012 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई मुंबई टॉकीज 2013 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई सत्याग्रह 2013 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई भूतनाथ रिटर्न 2014 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई शमिताभ 2015 में, ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर आई पीकू 2015 में, ये मूवी हिट रही। फिर आई फिल्म वजीर 2016 में, जो कि फ्लॉप रही। फिर आई T3N 2016 में, जो कि फ्लॉप रही। फिर आई पिंक 2016 में, ये फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई सरकार 3 2017 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई पैडमैन 2018 में, ये मूवी सुपर हिट रही। फिर आई थग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई 102 नॉट आउट 2018 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई बदला 2019 में, ये फिल्म हिट रही। फिर आई शेर नरसिम्हा रेड्डी 2019 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई चेहरा 2021 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई झुंड 2022 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई ऊंचाई 2022 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर गुड बाय 2022 में, ये मूवी फ्लॉप रही। फिर आई ब्रह्मास्त्र 2022 में, ये मूवी एवरेज रही। फिर आई रनवे 3-4 2022 में, ये मूवी फ्लॉप रही।